हाँ भाई, हमारे एक बड़े प्यारे से सब्सक्राइबर सेंट पॉल जी ने कमेंट किया था, अंकल ने आज अंधेरा कर दिया हमारे पोर्टफोलियो को। जैसे यार बेटा देखो, पोर्टफोलियो कभी अंधेरे में नहीं होता है, ठीक है ना। दिन के बाद में कभी भी रात होती है, रात के बाद में दिन आता है, ठीक है। सुख दुख के बाद में सुख आता है। हमेशा एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये बात आपको माननी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में जरूर आएगा। और रही बात के टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिन पर इतने मुद्दे निकल आते हैं कि चर्चा खत्म ही नहीं होती है, तो ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए, और आपका कमेंट बड़ा प्यारा प्यारा कमेंट होता है, बड़ा मासूम सा होता है, बट आपसे निवेदन मेरा इतना ही है कि प्यारे प्यारे कमेंट तो करते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इन्वेस्टेड रहिएगा, ले करके भागिएगा नहीं, लास्ट में निकल करके भागिएगा नहीं। और आपको आज मैं आप ही के साथ में कई बार आया है, ऐसा चक्कर आया है कि मैं कई लोगों को जो कि हमारे व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं उनको ये बात बताई जाए कि आखिर में, हालांकि मैं बताता तो डेली हूँ, लेकिन इस प्रकार के पॉजिटिव कमेंट से और हल्के से हंसी मजाक से क्या होता है, कई सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में और उनको बताना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तभी जाकर के आप लोग लाभान्वित हो पाएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, दो तीन चीजों के अगर मैं इन्वेस्टमेंट में लेता हूं तो वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। सबसे पहली बात तो अगर मैं इंश्योरेंस वालों के पास चाहूं या आप चाहो या कोई भी जाए, सबसे पहला बोलबाला किसका था? इंश्योरेंस का था। आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया है, फिर भी कई सारे एजेंट्स वगैरह होते हैं, बोलते हैं मेरा इंश्योरेंस बढ़िया, मेरा इंश्योरेंस बढ़िया, मेरा इंश्योरेंस बढ़िया। बैंक में जाओ तो, किसी पॉलिसी में जाओ तो, वहां वहां जाओ तो, आपको पॉलिसी बेचने के लिए पक्का हो ही जाता। एक बार आप मोबाइल पर सर्च कर लो कुछ भी छोटा सा, तो देखो आपके पास काल की भंडार हो जाती है। आजकल तो वो भी ट्रेंड चल गया है, ठीक है ना। और बाकी LIC को तो लोग बदनाम करते हैं फिलहाल, तो LIC का मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बड़ी अच्छी हो है। अगर वो लिंक्ड प्लान दे रहे हैं तो आई थिंक कि नहीं है, टर्म प्लान कहीं पर भी आप लीजिए तो वो टर्म प्लान अच्छा ही बनता है, और टर्म प्लान एक्चुअली लेना भी चाहिए हमें, ठीक है ना, टर्म प्लान लेना भी चाहिए। और मैंने बताया हुआ था कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर का कम से कम, मंथली इनकम का कम से कम 100 टाइम का टर्म प्लान होना चाहिए, ठीक है ना, 100 टाइम का टर्म प्लान होना चाहिए। सपोज करो अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए की है तो आपका 1 CR का टर्म प्लान होना ही चाहिए, ताकि आपके जो भी बिलव्ड वन है पीछे वो ना रह जाए। थोड़ा सा कई सारे मुद्दे हैं, उनको फिर कवर करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग बोर होने लगते हो, लेकिन करूँ क्या, बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी वाले के पास जाओ कहीं पर भी, ओह पूछो मत भाई, मेरी प्रॉपर्टी द बेस्ट है, इसकी साइट ये है, इसकी लोकेशन है, हम ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, बसरते की गड़बड़ी हो जाए। ऐसे ही सेम हुआ था, मैंने वकील साहब के कहने पर क्या, मैंने देखा था कि हाँ यार, लखनऊ में एक प्रॉपर्टी 2011 में, तो मेरा भतीजा कल वो 10 मई को 14 साल का हो गया हो, ठीक है ना, मतलब जो 13 का कंप्लीट हो गया, 14वां उसका शुरू हो गया, तो उसके बर्थ के टाइम पर हमने प्रॉपर्टी ली थी। और उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उन पर शिकंजा कस गया, किसका, बीजेपी गवर्नमेंट का आते ही। तो लेकिन क्या हुआ कि वो हमारे भाई साहब लायर थे, तो उस समय हमने क्या किया था, उसकी खारिज दाखिल करवा लिया था अपने नाम पर, उनके झांसे में हम लोग नहीं आए थे, बट फिर भी ये मान करके चलिए कि जमीन हमारे नाम पर है। लेकिन अभी आज के टाइम पर 14 सालों में, ठीक है ना, आप लोग, हमने बताया था कि हमारे दोनों भाइयों की काफी अच्छी अपना बॉन्डिंग है, तो 14 सालों में अभी हम उस पर मतलब कोई खास काम नहीं कर पाए, जो भी रेट उसका इंक्रीज हुआ होगा वही हुआ होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ऐसे हो जाती है, बाकी जगहों पर जो हमने लिया है वो अपना ठीक ठाक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये मान करके चलिए प्रॉपर्टी में भी कहीं ना कहीं हाउच पाउच की स्थिति रहती है। वही सेम हाल आपके म्यूचुअल फंड का है। अब 4000 से ज्यादा स्कीमें हैं, आपको चाहिए कितने, मान ली 4 या 5 है? अब आप कैसे सेलेक्ट करें, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और उन सारी चीजों के लिए खास करके आपका अगर इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी लेनी है, इंश्योरेंस से संबंधित मीन्स ये नहीं कि मैं किसी प्रोग्राम को कर रहा हूं, आपके लिए सूट कौन सी चलेगी, या फंड्स आपको कैसे सेलेक्ट करने, आप उसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं पर्टिकुलर फंड को नहीं बताऊंगा, लेकिन टाइप ऑफ, ये मैंने पहले भी कमिट करा हुआ है, लेकिन वैराइटीज में किस टाइप के फंड में आपको जाना है, जब आप मुझे अपना जो भी आपकी पोजीशन है वो आप बता देंगे, मेरा इनकम ये है, मुझे इस टाइप का इतना कॉर्पस जनरेट करना है, मेरे पास टाइम इतना है, मेरा रिस्क एपेटाइट इतना है, तब जाकर के आपकी मदद जुगाड़ी टॉक्स के द्वारा कर दी जाएगी, वो भी किस पे, वीडियो के माध्यम से, कोई इसमें हिडन या वो नहीं है। क्यों? क्योंकि कई सारा कंफ्यूजन हो जाता है, फिर लोग गलत फंड सेलेक्ट कर लेते हैं, जब पोर्टफोलियो एक बार गड़बड़ हो जाता है तब मजा नहीं आता है।
अब आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, मैंने बोला था वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लंबा कैसे हो जाता है, बात ही नहीं खत्म होती है आप लोगों से, ठीक है ना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का चक्कर ऐसा है कि आदमी इसको जब समझ नहीं पाता है ना, तो वहां पर उसको क्या होता है, वो कोई भी किसी के टिप पर ले लेता है। टिप पर आप ले लोगे तो वो क्या होगा कि वहां पर एक चीज हो जाएगी, वहां पर आपका ही, जैसे मान लीजिए टॉक्स से आपने लिया, तो ये सारी चीजें क्यों मैं आपसे मतलब डिटेल में मांगता हूं, क्योंकि आपका हित कहां पर है वो चीज आपको बताई जाए, वो चीज आपको बताई जाए, वो भी वीडियो में बताया जा रहा है, ताकि और जो हमारे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो उसको चेत करके अपना सही तरीका, अगर उनके पास एक दो फंड है तो वो उसके बाद में दो तीन करके चार फंड करके आराम से अपना चल जाए। अगर उनके पास ज्यादा, उनकी पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड हो रहे हैं, नंबर ऑफ फंड कभी कभी देखिएगा 20-20 फंड, 21-21 फंड अनजाने में आदमी ले लेता है, पूरी मार्केट को वाई कर लेता है, अरे बाप रे बाप, फिर उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, ताकि वो अपने आप को काट छांट करके तीन चार चार पांच फंड पे ला सके, ठीक है, फलत हो गया। दूसरी बात जो ये बोल रहा था आपको कि आपको जैसे मान लिया आपको उसी आदमी से सलाह लेनी है जहां पे उसका हित ना हो, वो आपको प्रोडक्ट तो दे देगा लेकिन वहां पर वो किसका साधेगा, अपना हित साधेगा, आपका हित नहीं साधेगा। मैं अवधि आदमी हूं, बिल्कुल जो है आपको ठेठ भाषा में बोल रहा हूं, हित मतलब आपका भला नहीं चाहेगा वो, ठीक है। तो इस टाइप से बचे, मैं किसी की भी पर्टिकुलर आदमी के लेकर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, ना ही किसी के प्रोफेशन को करना चाहता हूं, लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया है कि जहां पर भी आप अगर काम करना चाहोगे कि मैं इनके माध्यम से हम काम कर लूं, तो वहां पर आदमी क्या करता है, तो सो भाई ये बताना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने अर्ली स्टार्ट कर दिया, अभी मुझे नहीं स्टार्ट करना था लोगों को बताना, लेकिन अभी चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मेन बात क्या होता है ना कि अगर आप लोगों का चार आप भला चाह रहे हो तो ईश्वर अभी आपकी मदद करता है, ठीक है, ये पक्का मेरा थॉट्स है। तो अगर आप लोगों का भला होता है तो यस डेफिनेटली मेरा ऊपर वाले ने आज तक किया है, आगे भी करेंगे। अब आ जाते हैं इस पर, अभी आपको उन चार हजार फंडों में से चार पांच फंड छांटना है, वो हमने बता दिया। अब रही बात की अगर आप SIP के थ्रू कर रहे हो, कोई भी टाइम नहीं है, मार्केट हाई है, राइज है, वोलेटाइल है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, गिर रही है, अप हो रही, कुछ भी नहीं, आपका रुपीज कास्ट एवरेज हो जाएगा, ठीक है, आप उसके बाद में चलते रहे। हाँ, लेकिन रुपीज कास्ट एवरेज जरूर हो जाएगा, बट आपको रिटर्न भी एवरेज ही मिलेगा, ये आप मान करके चलिए, ठीक है। दूसरी चीज अभी मैंने बोला था, बात निकलती जाएगी क्योंकि जब मैं बात करने के उसमें होता हूं तो काफी सारी बातें निकलती। दूसरी बात क्या होती है, जहां पर बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो वहां पर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंश्योरेंस ले लेंगे, फिर उसके बाद में FD कर लेंगे, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, फिर उसके बाद में अपना जैसे मान लिया एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपना जो है ये अपना PPF GPF कटवाना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद में कई सारे लोग अपना पेंशन प्लान वगैरह ले लेंगे, फिर जब उसके बाद में उनके पास बचा खुचा, जैसे बोलते हैं ना, हाँ, दूध गरमाने के बाद में हमारे यहाँ पर गांव में क्या होता था, गांव में क्या, मेरे ही घर में जो है इतना बड़ा सा दूधाण होता था, उसमें कम से कम करीब 7-8 लीटर 10 लीटर तक दूध मेरी माता जी गर्म करती थी, और गर्म करने के बाद बिल्कुल लाल दिख जाता था, उसमें ये मोटी सी साड़ी पड़ती थी, ठीक है। और हमारे एक जो है चचेरे भाई थे क्या है मतलब जो है राजेश भैया, वो क्या करेंगे, कोई ऐसी वो लेंगे, लकड़ी लेंगे और उसके बाद में उसमें साड़ी का एक हिस्सा वो करेंगे फंसाएंगे, इतनी मोटी सी साड़ी का गुच्छा आ जाता था, कभी हम लोगों को देते थे या नहीं देते थे, खा जाते थे वो, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम पर वो कर देते थे। तो कुछ दिन होता था कि उसने खाया, बिलारे ने खाया, बिलारे ने, बिल्ली का जो होता ना जेंट्स होता है उसको हम लोग गाँव में अपना बिलारा बोलते हैं, बाद में पता चला ये तो राजेश भैया का करामात है, ठीक है। तो चलो ये तो हंसी वाली बात आ गई। तो उसके नीचे जो बस्ती है ना, तो उसको क्या होता था कि सीप वाली जो होती थी उसको हम लोग सुतुई बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, उससे आम छीलने का काम माताएं बहने, उस समय ये नहीं होता था, क्या नाम है जो है ये अपना पिलर वगैरह नहीं आता था, तो सीप से वो बना करके छीला जाता था, आम वगैरह बहुत सारा छीला जाता था, ठीक है ना, तो उससे जो है उसका वो निकाला जाता था, खुरचुनी निकाली जाती थी उस समय, उसको हम खुरचुनी बोलते थे, जो नीचे निकलता वो भी इतना सारा निकलता था क्योंकि दूध दिख दिख करके बर्तन के उसमें, और मिट्टी का खास करके पॉट होता था, बड़ा लाल दूध दिखता था, वैसी दही तो मेरे ख्याल से वो लाल दही तो देखने के लिए जब मेरी माता जी जमाती है तभी मिलता है जब घर पे जाते हैं, आजकल तो एक ही गाय बची है, नहीं तो चार चार पांच पांच भैंसे होती थी। चलिए ठीक है, देखेंगे,
समय आएगा तो फिर कभी करने कोशिश करेंगे, जो हमारे पिताजी ने बचपन में हमें दिया है हम भी चाहेंगे कि एक बार वो जिंदगी फिर करें, ठीक है ना। सब कुछ तो वैसे ही है, चल अचल संपत्ति पड़ी हुई है, तो देखते हैं। अच्छा, तो अभी मैं ये बोल रहा था कि जब लास्ट में आदमी क्यों बच जाता है, खुरचुनी बच जाता है ना, तो वो आकर के फिर बोलता है कि अब हम यहाँ पर लगाएंगे, फिर वो उम्मीद करता है कि मेरा कॉर्पस जनरेट हो जाए, फिर वो उम्मीद करता है कि मेरा उसके बाद में मैं क्या करूं, फिर वो टिप पर आकर के ना, टिप पर आकर के उल्टे सीधे डिसीजन लेकर के गलत सलत जगह पर गलत सलत फंड में फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना जो कर देना शुरू करता है। अगर ऐसा कोई है हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर में से तो आप चेत जाओ, हर चीज को सही तरीके जो आपको बताया जाता है अगर उसको प्रॉपर मैनर में आप करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपाउंडिंग आप जहां पर भी ले रहे हो, अगर आप सेफ इंस्ट्रूमेंट में भी कंपाउंडिंग ले रहे हो तो उस लिहाज से आपका कॉर्पस ग्रो नहीं होगा बट सेफ्टी रहेगी। लेकिन हाँ, महंगाई ये कोशिश करें, आज के टाइम पर जैसा हो गया, आज के 5 साल पहले 7 साल पहले 10 साल पहले भी, 5-7 साल से तो ये हो गया, 10 साल पहले भी कम से कम गवर्नमेंट इतना दे देती थी, महंगाई से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट दे देती थी कि ताकि आपका कॉर्पस भी 1% 1.5% के आसपास ग्रो हो जाए। लेकिन इतना ज्यादा टैक्सेशन का भी प्रोविजन पहले नहीं था, आजकल बिल्कुल टाइम हुआ नहीं कि तुरंत आपका टीडीएस कटा नहीं, टाइम हुआ नहीं तुरंत आपका ये जो है कटा नहीं, फॉर्म जो है 15G 16G आपका देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आपको मतलब उन सारी चीजों से आप अभी बच नहीं सक पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप बच नहीं पा रहे हैं, एक तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको टैक्स चोरी करिए, या जो अगर आपकी अर्निंग हो रही तो देश के भले में आपको देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो भी मेरा मानना है, हम भी टैक्स पे कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पे कर रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स देना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि कॉर्पोरेट जगत को देखिए कैसे करके वो अपने टैक्स का रिबेट ले लेते हैं, गवर्नमेंट की जितनी छूट है उसके हिसाब से वो उसका लाभ कमाते हैं। अगर मैं किसी को बोलता हूं आपको 1 लाख रुपए की छूट है जो आपको प्रॉफिट बुकिंग करके, तो उस पर लोग बोल देते हैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों करे, ये करे वो करे, तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। आपको एटलीस्ट कम से कम 10,000 रुपया तो साल का आपका अपना बच रहा है, वो भी कंपाउंडिंग में जा रहा है ना, 1 लाख रुपया आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जा रहा है ना, तो ये सारी चीजें चलो ठीक है, और बातें होती रहेंगी। अभी आज हम जो मतलब जिस चीज पर बात करना चाह रहे हैं उस पर बात करते हैं। तो SIP आप अगर कर रहे हैं, देखो बातों में जब तक उसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ नहीं समझाया जाता है तब तक आप नीरस हो जाएंगे। कई सारे लोग होते हैं आज के टाइम पर उनके पास समय नहीं होता, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं, जिनके पास समय नहीं है या जो इंटरेस्टेड नहीं है उनसे बात करने से कोई फायदा, मैंने बताया था जिनको समझ नहीं है उनसे बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं है। बिकॉज क्या है, ये कोई एक दिन में आपको मिलने वाला चीज नहीं है, कंपाउंडिंग का लाभ एक दिन में नहीं दिखता है, लेकिन एक बार कंपाउंडिंग जब स्टार्ट हो जाती है आपकी तब आपको समझ में आता है यस कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है, ठीक है ना। और जब वो कंपाउंडिंग आपकी समझ में आ जाती है तब आपको समझ में आता है यस मुझे कोई बताने वाला मिला था, ठीक है। तो मेरे कहने मतलब यह है कि जैसे आप मान लिया आपको ये सारी चीजें करने में क्या होता है, आप काफी सारी अपनी एज निकाल देते हैं, एज निकाल देते हैं, तो उसके बाद में आप बोलते हैं कि मैं कैसे करके आपको ना फ्रीडम पा जाऊं, फ्रीडम पा जाऊं मींस मेरे जो सर पे बोझ है ये बोझ हल्का हो जाए। उससे बोझ नहीं हल्का होता है, उससे आप जो डेली जिंदगी की खींचतान है ना उस खींचतान में ही फंसे रहते हो। फिर आप जो है चाहे महीने का 1 तारीख हो, चाहे महीने का 30 तारीख हो, चाहे आपकी फसल 1 महीने बाद हो, चाहे फसल आपकी 4 महीने बाद हो, या आपकी फसल अच्छी हो रही है या फसल आपकी बुरी हो रही है, या आपके बिजनेस में कोई ग्रोइंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन आपका क्या है कि जो आपने कंपाउंडिंग का लाभ लेना शुरू कर दिया, जो आपकी यहां से हो गई वो कहीं नहीं जाने वाली है, वहां से आप अपने जरूरत के मुताबिक निकाल करके आप काम। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1-10 साल का समय तो देना ही पड़ेगा, पूरी ताकत आपको झोंकनी पड़ेगी, आपका एक पैर हवा में होना ही चाहिए। जब तक आप अपने आप को गलाएंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है, बात बनेगी नहीं, आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को, आपको अपने एज से, आपको अपने 50s तक में आपको कम से कम आपको जैसे आप 45 को आपको 50 का दिखना चाहिए, आपको इतनी मेहनत आपके ऊपर पड़नी चाहिए, तब आप 50 के बाद की जो आपकी चमक आएगी, जो आपके 60s में जो आप जियोगे जिंदगी, वो मेरे ख्याल से आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये मैं शब्दों में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपको इसको अगर आप अपनाते हो तब पता चलेगा। अब आगे सुनिए, आगे क्या हुआ, जैसे मान लिया अब आपके पास पैसा आया तो आप थोड़ा सा वेट नहीं कर पाते। मैं भी बोलता हूं वेट करना उचित नहीं, ज्यादा वेट करना उचित भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको आपने करना है तो कर देते, लेकिन क्या होता है जैसे मान लिया एक लेवल होता है पी लेवल होता है,
एक पैमाना है निफ्टी 50 का, सेंसेक्स 30 का क्या हो गया, वो काफी ज्यादा ब्लू चिप हो गया, लेकिन निफ्टी 50 में काफी कंपटीशन होता है 50 में आने के लिए कंपनियों के बीच में, तो उसका जो इंडेक्स है आज के टाइम पर काफी प्योर माना जाता है। प्योर मींस क्या है कि वो सबको रिप्रेजेंट कर देता है, चाहे वो आपका मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे आपके सेक्टोरल हो, चाहे आपके ये हो, वो काफी सारा एक पैमाना माना जाता है। अगर आपका इलेक्शन के टाइम पर देखिए निफ्टी आपका जैसे जैसे विक्स बढ़ता है ना, जैसे जैसे विक्स बढ़ता है वैसे निफ्टी का पी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको 23 पर ही सलाह दे दिया था कि यस आप 23 पर आपकी पी है तो मतलब क्या है कि आपकी मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है, लोगों को चिल्लाने दो, इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है कि आप उसको इन्वेस्ट ना कर सको या इन्वेस्टमेंट का आप जैसे जैसे अभी आज के टाइम पर आपकी जैसे ये हुआ 4-5 ट्रेडिंग सेशन में डाउन हुआ तो निफ्टी का पी आपका 21 पॉइंट समथिंग पर चल रहा है इस समय, और निफ्टी की अगर वैल्यू पी वैल्यू 20 से नीचे हो जाती है ना तो अच्छे अच्छे पंडित आपको बिना बताए आपको रोकते रहेंगे वो, ताकि आप ना डालो। मैं तो 23 से बोल रहा था आपको कि यस 23 से नीचे है तो उसके बाद में थोड़ा तो जिनके पास है, देखो भाई मैं एक बात बता दूं, हर वीडियो हर किसी के लिए सूट नहीं करता है, हर बात हर किसी के लिए सूट नहीं करती है, लेकिन कई सारे हमारे ऐसे भी व्यूअर और सब्सक्राइबर होंगे जो कि इंतजार कर रहे होंगे यस हम उसके बाद में कब क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। कई सारे ऐसे भी होंगे जो कि अभी युवा है, संघर्ष कर रहे होंगे, उनको हो सकता कोफ्त होती हो, लेकिन उसमें कोफ्त होने की बच्चों आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है अपनी मेहनत को इंक्रीज करनी है, और जैसे जैसे आपकी मेहनत इंक्रीज होती है आपकी अर्निंग इंक्रीज होती है उसी प्रकार आपने क्या करना है अपने एसआईपी अमाउंट को स्टेप अप करते जाना। स्टेप अप मतलब वही 5%, ज्यादा नहीं 5% ही, अगर मान लिया आप 1000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करो, मैं बिल्कुल लोअर टारगेट ले रहा हूँ, 1000 रुपए पर मंथ की एसआईपी कर रहे हो तो अगले साल उसको 5% में 1050 रुपए की कर देनी है, अगले साल आपको 55 रुपए उसमें ऐड कर देना है, 1105 रुपए की ऐड कर देनी है। मैं इतना ही बोल रहा हूँ जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसमें केवल 5% ऐड करते जाओ, फिर देखो आप कंपाउंडिंग आपको लाभ कैसे मिलता है, और कम से कम एक डिकेड आपको दो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इनकम बढ़ती जाए, आपकी अभी मान लिया 1000 की कैपेसिटी है, कल आपकी जो है इनकम की कैपेसिटी हो जाए 5000 की, तो आप बाकी चीजों में उलझ जाओ, फिर आपको कंपाउंडिंग का लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए आपको जो जो आपका प्लान है, जो जो आपका गोल है, उसको आप लेना सीखिए। तो जैसे जैसे पी लेवल आपका 20 से नीचे आपको दिख रहा है, यस दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, आपको बता दिया जाएगा, तो आप उसमें इंतजार मत करिए मेरी एनएवी कितनी डाउन हुई है या ये कितनी हुई है। अगर आपके पैसा आपके पास पैसा है तो उसको आपने लगाते जाना है, ठीक है। अब कोई ये बोलेगा जैसे मान लिया जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट होगा पक्का उस दिन डाउन होगा, अगले फेजेस में डाउन होगा, यही सब तो है। जब और अनसर्टेनिटी आती तो ऐसा माना जा रहा है पिक्स कम से कम 30 तक इस बार जाएगा और आपका पी 20 से नीचे आएगी। अब कोई इसमें अभी हो सकता है इन्हीं में से कोई कर दे या फर्स्ट टाइम का जो व्यूअर हो वही कमेंट कर दे कि भैया तो फिर मतलब मान लिया अगर गवर्नमेंट नहीं आई तो, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट नहीं आई तो यस पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा जो है 20% मार्केट हो जाएगी अपना करेक्ट हो जाएगी तो ठीक है, जो हमारे पास लमसम है उसको हम डाल ही रहे हैं, फिर अगर होगी तो एक दिन में फिर मान लिया उसमें चली जाएगी अपना बेरिस मोड में चली जाएगी, एसआईपी हमारी चली रही है। अगर अब पॉसिबिलिटी ये भी है अगर गवर्नमेंट आ गई तो उसी दिन फिर रॉकेट हो जाएगी, फिर आप कितने खरीदारी करोगे, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये जो प्रेडिक्ट कर सके कि गवर्नमेंट आएगी कि नहीं आएगी, मार्केट अप होगी कि डाउन होगी, डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कम से कम पी आपको 20 के नीचे तो मिल रहा है ना भाई। तो उस समय आपने सपोज करो 2 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करने हैं तो आपने 50-50 हजार रुपए का 5-5 हजार 4-4 हजार 2-2 4-4 दिन के अप डाउन पर डालते जाना है। ज्यादा लमसम की मैं सलाह नहीं देता हूं, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था, कोशिश ये करनी है कि एक हफ्ते में 10 दिन में आपने 50,000 रुपए डाल देने हैं, जिनको और ज्यादा करना उसी हिसाब से उनको पेश कर देना है। 5 लाख रुपए मान लिया आपको लमसम करने हैं तो आपने क्या करना है 50,000 एक हफ्ते के अंदर जो 10 दिन के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए आपने डाल देना है, अगले फिर उसका इंतजार करना है। फिर उसके बाद में जिस दिन रिजल्ट आना शुरू होता है उस दिन काफी वोलेटाइल रहेगी, उस दिन कम से कम एटलीस्ट आप जो है 1/3 को बिल्कुल रखिए कि यस मैं उस दिन डालूंगा,
उसके बाद में जो आपका बच गया गवर्नमेंट चाहे फेवर में आए चाहे अनफेवर में आए, उसके बाद का अगला आप इन्वेस्टमेंट अगले उसमें करो। तो अगर इस प्रकार से आप करो, क्योंकि आप क्या है कि आप ये मान करके चलिए कि जो आपको मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा। सपोज करो आपका कोई भी फंड है अगर, ठीक है, सपोज करो जो बिल्कुल न्यू है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, थोड़े से जो अपना पुराने हैं उनको ले लीजिए जो 2022 से पुराने हैं। आप देखिएगा 2022 में आपका कोई भी फंड होगा यक्स वाई जेड, 2 रुपए अप 2 रुपए डाउन, कभी 4 रुपए अप कभी 4 रुपए डाउन, ऐसे ही 2022 में पूरी साल कंसोलिडेट रही है मार्केट। 2 रुपए अप तो जहां पर थी ऐसा लग रहा था ये नेवी यहीं पर ही रहा, कभी 2 रुपए अप जा रही है तो 4 रुपए डाउन चली जा रही, कभी फिर उसके बाद 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 10 पैसा 20 पैसा पूरे साल ऐसे रहा है। लेकिन जैसे ही 2023 लगा है उसी फंड की ये नेवी आप देखिएगा ड्योढ़ा हो गई है। सपोज करो अगर उसके 100 रुपीज की एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे कोई गेस नहीं करिएगा, 100 रुपीज की एनएबी थी वो आपका 95 से 100 95 से 100 95 के 100 95 से 100 इसी के बीच में पूरे साल चलती रही थी। लेकिन आज के टाइम पर आप उसका देखिएगा 150 रुपए के आसपास उसकी एनएबी होगी। आज के टाइम पर आपको उसको बाई करना पड़ रहा है, कितने में करना पड़ रहा है, 150 रुपए करना पड़ रहा है। अब उसका करेक्शन अगर मान लिया 40% करेक्शन आ भी जाएगा तो भी तो 110 रहेगा। तो इस यही मेरे बोलने का मतलब है कि अगर मान लिया गवर्नमेंट कहीं यही सेम गवर्नमेंट आ गई तो आपका तो कितने पर आप बाई करोगे आप बताइए, 4 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर कहां जाएगी मार्केट, आप समझ लो एक बार फॉर्म होते ही सेम डे में कितने पर जाएगी। तो ये हो गया, और उसके बाद में अगर गिरती भी है तब देखी जाएगी, फिर आपके पास है ना उतना, अब इतना ज्यादा ग्रीड करके पैमाना लेकर के तो नहीं कर सकते है ना। अब कोई हम तो इसीलिए एक जो तरीका है वो आपको बताया जाता है, वो तरीका आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। यस आप करेंगे तो आप लाभ में रहेंगे, यस उसके बाद में भी कहीं पर भी हो कभी भी हो किसी भी गवर्नमेंट में मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूअस नहीं गई है, समझ गए, आई है किसी भी उसमें आई है, फिर उसके बाद में यू शेप में उसकी रिकवरी हो गई है, नो प्रॉब्लम। आप ट्रेडर नहीं है, आप इन्वेस्टर है, और 5 साल से कम का होराइजन है तो मतलब ही नहीं फिर आप इक्विटी में आ क्यों रहे हैं, मतलब ही नहीं। और कम से कम मैंने 1 डिकेड आपका मांगा हुआ है, 1 डिकेड में अगर आप कलेजा करके इसको कर देंगे ना तो आप ये मान करके चलिए कि वो कलेजा आपको आपके कलेजे को बढ़ा देगा। बस आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं सवेरे चाय की चर्चा पर किसी भी बात पे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी, मेहनत लगती है यार इन जो सारी चीजों को सोचने में, ठीक है ना, तैयार करने में, और तैयार तो क्या करता हूँ उसके बाद में सीधे मैं अपना परोसी देता हूँ, क्योंकि इतना तो मेरे पास भी नहीं समय नहीं है कि मैं उसको ज्यादा टीम टाम कर सकूं, फिर उसमें नेचुरलिटी नहीं रह जाती है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज नेचुरल नहीं है बनावटी, और बनावटी चीज में परोसना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो बस मिलते हैं सवेरे, और जो नए व्यूअर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपना सब्सक्राइब करते रहो, परिवार के पार्ट बनते रहो, अच्छा लगता है, ठीक है ना। बाकी आप लोग प्यारे कमेंट्स और लाइक्स तो काफी सारा दे ही देते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।